Uh, students, good morning, and welcome to Bind EduTech. In previous video, we were discussing that Andrew had returned from a disappointed meeting with his girlfriend Christine. So his thoughts were heavy muddled because there was a conflict between his heart. And mind. On the one hand, he was thinking about all failure marriages which he knew, such as Bramwell, who was foolishly devoted to his wife and who cheated him sordidly. On the other hand, he was also thinking about his boss Dr. Edward Page who was compelled to live with Stribis Bloodwin and he was also thinking about Danny who was unhappy due to his divorce. But his hurt was not. रेडी टू एक्सेप्ट इट हिज heart वॉज फिल्ड विथ द मेमोरी ऑफ क्रिस्टीन सो देर was ए so conflict बिटवीन हिज heart एंड माइंड एंड एंड्रीज थाउट्स वर हे भी मर्डर्ड पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि चूंकि डॉक्टर एंड्रयू मैंसन अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन से निराशाजनक मुलाकात के बाद लौटे थे हिज माइंड हैज़ टेकन ए निगेटिव डायरेक्शन उनका मस्तिष्क उनकी थिंकिंग निगेटिव डायरेक्शन को एडॉप्ट की हुई थी एक तरफ वो उन हर असफल शादियों के बारे में सोच रहे थे तो दूसरी ओर उनका हृदय क्रिस्टिन की यादों से भी भरी हुई थी इसलिए मस्तिष्क कह रहा था कि ऑल मैरिजेज आर डिज्मल फेलवर बट हिज हर्ट वॉज नॉट एग्री टू एक्सेप्ट इट, दैट्स वाई एंड्री वॉज सेप्टिकल विथ हिज रिलेशनशिप एंड हिज थाउट्स वर हे भी मर्डल्ड अब हम लोग आगे के घटना को देखें इट वॉज़ ए कंक्लूजन फिच इन हिज प्रजेंट स्टेट मेड हिम विंस यही कारण था चूंकि वो दो विचारों में अंतर द्वंद में फंसे हुए थे हृदय और मस्तिष्क के बीच युद्ध चल रही थी जिससे एंड्रयू खिन्न हो चुके थे विंस ही विश टू कंसीडर मैरिज एज एन आइडोलिक स्टेट डॉक्टर एंड्रयू शादी को एक आदर्श स्थिति मानते थे यस, ही कुड नॉट अदरवाइज कंसीडर इट विथ द इमेज ऑफ क्रिस्टिन बिफोर हिम और जब क्रिस्टिन का मुस्कुराता हुआ चेहरा उनके सामने हो तो इसके अतिरिक्त वो दूसरा कुछ सोच भी नहीं सकते थे हर आइज साइनिंग टूआर्ड सीम एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन क्रिस्टिन की चमकती हुई आंखें मुस्कुराता हुआ चेहरा एंड्रयू को दूसरे कंक्लूजन की ओर ले भी नहीं जा सकती थी इट वॉज ए कंफ्लिक्ट बिटवीन हिज लेबल डाउटिंग माइंड एंड हिज ओवर फ्लोइंग हर्ट हिच लेफ्ट हिम रिजेंटफुल एंड कंफ्यूज्ड। जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे जो युद्ध चल रही थी हृदय और मस्तिष्क के बीच मस्तिष्क कह रहा था कि हर शादियाँ असफल होती लेकिन उनका दिल इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था तो उनके तर्कपूर्ण मस्तिष्क और भाव बिहवल ओवरफ्लोइंग हर्ट ये दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध चल रही थी यही कारण था कि एंड्रयू बिल्कुल खिन्न थे उनके विचार बोझिल और अस्पष्ट थे और अपने संबंधों को लेकर एंड्रयू बिल्कुल सेप्टिकल संशयपूर्ण स्थिति में थे ही लेट हिज चीन सिंक अपॉन हीज चेस्ट एंड्रयू अपना चीन चेस्ट में इस तरह से ऐसे सिकोड़ करके और पांव फैलाए हुए थे स्ट्रेच आउट हिज लेग्स स्टेयड ब्रोडिंगली इन टू द फायर और आग के तरफ देख कर वो बड़बड़ा रहे थे कि शादियाँ सफल होती है या असफल होती ही रिमेंड लाइक दिस शो लॉन्ग एंड ही थाउट्स वर शो फील्ड विथ क्रिस्टिन वो बड़बड़ा रहे थे लेकिन क्रिस्टिन के विचारों से उसकी यादों से वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे दैट ही आर स्टेयर्ड एंड ही थाउट्स वर सो फील्ड विथ क्रिस्टिन दैट ही स्टार्टेड वेन द ओल्ड उमैन अपोजिट सडनली एड्रेस्ड हिम हर मेडिटेशन हैड परस्यूड ए डिफरेंट कोर्स जबकि वो जो वृद्ध महिला थी उनके अपोजिट साइड में बैठ कर के और टकटकी लगाकर एंड्रयू को देख रही थी जब वो एंड्रयू को एड्रेस्ड करती है बोलती है तब एंड्रयू अपने विचारों से बाहर निकलते हैं जो क्रिस्टिन के विचारों में खोए हुए थे उस वृद्ध महिला का जो थिंकिंग थी दैट हैड टेकन ए डिफरेंट कोर्स वो आने वाले उस बच्चे के बारे में सोच रही थी कि उसकी बेटी के घर बीस वर्षों के बाद पहली बार खुशियाँ आने जा रही थी सुसन सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म इफ इट वुड बी हार्म द बेबी सी इज ऑफुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड डॉक्टर बैच हर ओल्ड आईज वार्मेट ए शड थाउट सी एडेड इन ए लो टोन ए वी ऑल आर आई फैंसी जब वो वृद्ध महिला बोलती है कि डॉक्टर बाबू सुशन बोल रही थी कि अगर क्लोरोफॉर्म बेहोशी की दवा होती है उसको एनेस्थेसिया कहिए ईथर कहिए क्लोरोफॉर्म आजकल डॉक्टर लोग जो है वो लाफिंग गैस का यूज करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का तो वो बोल रही थी कि अगर क्लोरोफॉर्म देने से उस आने वाले बच्चे को कोई हानि पहुंचेगी तो सुशन हर पेन को सहने के लिए वो तैयार थी लेकिन बोल रही थी कि उस बच्चे को कोई हानि नहीं होनी चाहिए आगे वो बोलती है वृद्ध महिला हु आज द ओल्डमैन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सी वॉज द मदर ऑफ सुशन मार्गन एंड मदर इन लॉ ऑफ जो मार्गन वो बोल रही थी कि डॉक्टर बाबू केवल सुशन ही नहीं बल्कि हम परिवार के हर सदस्य उस आने वाले बच्चे को लेकर बहुत ही उत्सुक हैं हम लोगों के बीच जो है पूरे परिवार में उस बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है उम्मीदें हैं इसलिए अगर क्लोरोफॉर्म देने से कोई हानि हो तो सुशांत साफ तौर से बोली है कि उसे क्लोरोफॉर्म न दिया जाए वो पूरे पेन को सहने के लिए तैयार है तब डॉक्टर एंड्रयू जो क्रिस्टिन के विचारों में खोए हुए थे उन विचारों से वो बाहर निकलते हैं और क्या बोले ही कलेक्टेड हिम सेल्फ विथ एन एफर्ट इट ओंट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक क्या बोलते हैं एंड्रयू कि एनेस्थेसिया देने से किसी को कोई हानि नहीं होगी मतलब माँ और बच्चे दोनों बिल्कुल सही सलामत रहेंगे एनेस्थेसिया से दोनों में से किसी को कोई हानि नहीं होगी सेड काइंडली दे विल बी ऑल राइट तो यहां पर दे जो आ रहा है वो किसके लिए मां और बच्चे दोनों के लिए दे विल बी ऑल राइट मतलब माँ और बच्चे दोनों सही सलामत रहेंगे हियर द नर्सेस वॉइस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग ठीक उसी समय ऊपर के कमरे से नर्स के आवाज आई एंड्रयू ग्लैंस्ट एट द क्लॉक विच नाउ शोड हाफ पास्ट थ्री जब एंड्रयू ने घड़ी के तरफ देखा तो सुबह के साढ़े तीन बज रहे थे थ्री थर्टी ए एम हीरोज एंड अप टू द बेडरूम एंड्रयू उठते हैं और उस बेडरूम में जहां पर सुशन मॉर्गन थी वो पहुंचे ही परसिप्ड दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क और एंड्रयू ने यह अनुभव किया कि अब वो अपना काम शुरू कर सकते हैं मतलब अब ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं एन आवर इलेप्स एक घंटे और बीत गए इट वॉज ए लॉन्ग हार्स स्ट्रगल एक लंबा और कठिन संघर्ष था वो देन एज द फर्स्ट स्ट्रिक्स ऑफ डाउन अस्ट्रेड पास द ब्रोकेन एजेज ऑफ द ब्लाइंड द चाइल्ड वॉज बॉर्न लाइफलेस एक घंटे का वो लंबा और कठिन संघर्ष था और जब बिल्कुल डाउन मतलब किसी चीज़ की शुरुआत तो ये दिन की शुरुआत के लिए आ रहा है हटना कहते हैं सूर्य की जो है वो लालिमा छाने लगी उसकी किरणें उस टूटे हुए दरवाजे के प्लंक से जो है छिद्र से हल्की रोशनी जब आने लगी ठीक उसी समय बच्चे का जन्म हुआ बट द चाइल्ड was लाइफलेस बच्चा निर्जीव था अब यहीं से एंड्रयू की असली धर्म संकट शुरू हो रही कि अब वो क्या करें 20 वर्ष के बाद सुशन अपने पहले बच्चे को जन्म देने जा रही थी और जब वो बच्चे का जन्म हुआ कितने बजे 4:30 में जब नर्स आवाज दी थी तो उस समय कितने समय हो रहे थे थ्री थर्टी एन आवर रिलैप्स एक घंटे और बीत गए मतलब फोर थर्टी जब बच्चे का जन्म हुआ तो चाइल्ड वाज लाइफलेस अब एंड्रयू की यहीं पर असली परीक्षा थी देखिए आगे एज ही गेज दैट द स्टील फॉर्म ए सीवर ऑफ हॉरर पास्ट ओवर एंड्रयू ज्यों बच्चे के उस निर्जीव बच्चे को देखते हैं एंड्रयू, जिसमें जीवन के कोई संकेत दिखाई नहीं पड़ रहे थे एंड्रयू के ऊपर भय के कारण कप कपी छा गई आफ्टर दैट आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रोमिस्ड क्योंकि वो उस ओल्ड उमैन से प्रॉमिस किए थे कि माँ और बच्चे दोनों सही सलामत रहेंगे तो यहां पर जो मेन क्वेश्चन है कि फेन डीड ए सीवर ऑफ हॉरर फेन डीड ए सीवर ऑफ हॉरर पास ओवर डॉक्टर एंड्रयू मैंसन एंड वाई कब एंड्रयू के ऊपर भय के कारण कपी छा गई और क्यों तो व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न लाइफलेस फेन द चाइल्ड वाज बोर्न लाइफलेस जब बच्चे का जन्म निर्जीव हुआ तो ये शिवर ऑफ हॉरर भय के कारण कपी छा जाना ये शीवर ऑफ हॉरर पास्ट ओवर डॉक्टर एंड्रयू मैंसन तो एंड्रयू के ऊपर भय के कारण कपकपी का छा जाती बिकॉज ही हैड प्रोमिस्ड टू द ओल्ड उमैन क्योंकि एंड्रयू जो है उस वृद्ध महिला को वादा कर चुके थे ओल्ड उमैन दैट बोथ दैट इज मदर एंड द चाइल्ड मदर एंड द चाइल्ड विल बी ऑल राइट क्योंकि वो वादा किए थे कि माँ और बच्चे दोनों सही सलामत रहेंगे लेकिन माँ की कंडीशन क्रिटिकल थी एंड चाइल्ड वॉज बॉर्न लाइफलेस दैट्स वाई ए सीवर ऑफ हॉरर पास्ट ओवर डॉक्टर एंड्र्यू मैंसन हिज फेस हिटेड विथ हिज ओन ए जर्सन उनका चेहरा जो थकावट के कारण गर्म हो गई थीट चील्ड सडनली अचानक ठंडा पड़ जाते हैं

बच्चे को रिसेसिएट करना चाहते थे तो दूसरी ओर एक डॉक्टर होने के नाते उनकी ड्यूटी थी माँ को भी बचाना हु वाज हर इन ने डिस्परेट स्टेट जिसकी कंडीशन बिल्कुल क्रिटिकल निराशाजनक चिंताजनक डिस्परेट स्टेट में थी द डायमा वाज शो अर्जेंट डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्सियसली यह धर्म संकट इतना तात्कालिक था कि एंड्र्यू के पास सोचने का भी वक्त नहीं था कि वो कैसे इस डायलिमा को सॉल्व करे धर्म संकट को ब्लाइंडली इंस्टिंक्टिवली ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स

अपना पूरा अटेंशन मां पर वो लगाते हैं जिसकी पल्स नब्ज जो है नाड़ी गिरते जा रही थी वो बेहोशी की हालत में अभी तक एनेस्थेसिया के प्रभाव से वो मुक्त नहीं हुई थी धाराशाही होकर एक तरफ पड़ी हुई थी हिजहेस्ट वाज डिस्परेट ए फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर इबिंग स्ट्रेंथ ईविंग मतलब गिरता हुआ समुद्र की लहरें जब ऊपर उठती है तो टाइड बोलते हैं ज्वार और नीचे गिरती है तो ईब उसको तो उसकी स्ट्रेंथ जो थी सुसन मार्गन की वो लगातार गिरते जा रही थी पल्स रेट गिरते जा रहा था एंड्रयू के अंदर बेचैनी छा जाती कि किस तरह से पहले इसको आउट ऑफ डेंजर में लाया जाए इट him only एन इंस्टेंट टू smash ए ग्लास ampule एंड इंजेक्ट द मेडिसिन एंड्रयू अपने दवाइयों से एक शीशी निकालते हैं छोटा सा एम्पुल अस्मैश ओपन इस तरह से तोड़ करके उससे मेडिसिन लेकर और सुशन को इंजेक्ट करते हैं देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक रेंज एंड वर्क अन अस्प्रेंगली टू रिस्टोर द फ्लैशिड और उस बेहोशी की हालत में जो चली गई थी शोषण उसको होश में लाने की वो कोशिश करने लगते हैं आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ फेबरिश एफर्ट हर हर्ट अस्ट्रेंथ कुछ देर तक जबरदस्त प्रयास के बाद उसके अंदर हल्की सी मजबूती उनके हर्ट में आने लगती है ही माइट सेफली लीव हर जब एंड्रयू ने रियलाइज किया कि अब वो सुरक्षित रूप से उनको छोड़ सकते हैं मतलब सुषनबाज नाउ आउट ऑफ डेंजर हिस्वंग राउंड वो घूमते हैं इन हिच शर्ट स्लीव हिज हिज हेयर टू डैम इतनी ठंड की मौसम थी जबरदस्त ठंड थी इसके बाद भी जो एंड्रयू के बाल थे वो आकर के आईब्रो तक पसीने के कारण चिपक गए थे स्लीव शर्ट का स्लीव नीचे जो है वो इस तरह से झूला हुआ था एंड्रयू उसी तरह से मुड़ करके और पूछते हैं कि वेयर इज द चाइल्ड बच्चा कहाँ है अब देखिए विडंबना कि नर्स को लगा कि द चाइल्ड वाज लाइफलेस बच्चा मरा हुआ है सो द नर्स हैड प्लेस्ड द बेबी बीनीथ द बेड ऑन सोड न्यूज पेपर और जो नर्स थी उस बच्चे को बेड के नीचे कचरे न्यूज़पेपर पर भीगे हुए न्यूज़पेपर पर रख दी थी जब एंड्रयू इंक्वायर करते हैं कि फेयर इज द चाइल्ड तो द मिडवाइफ गेव है फ्राइटेंड गेस्टर डरे हुए रूप में संकेत करती वाई बिकॉज सी हैड प्लेस्ड द बेबी बीनीथ द बेड होपिंग दैट द चाइल्ड वाज लाइफलेस वेन एंड्रय इंक्वायर्ड अबाउट द चाइल्ड द मिडवाइफ वॉज अ फ्रीड दैट एंड्रू वुड चाइल्ड और अल्ड हर फॉर इट अब यहां से देखिए इस लेसन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वेन डिड डॉक्टर एंड्रू फाइंड इन ए डायलिमा और हेजिटेटेड टॉर्न बिटवीन हिज टू डिजायर वॉट वॉज हिज डायलिमा And how did he solve it? When did Doctor Andrew Manson find himself in a डायलिमा और हेजिटेटेड टॉर्न बिटवीन हिज टू डिजायर्स What was his dilemma? What was his dilemma? And what he did at last? What was his dilemma? Or what he did at last? What he did at last? ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड्रयू कब अपने आप को धर्म संकट में फंसे पाए उनका धर्म संकट क्या था और उन्होंने कैसे इसका समाधान किया तो फेन द चाइल्ड वाज बॉर्न लाइफलेस फेन द चाइल्ड वाज बॉर्न लाइफलेस and the condition of the mother condition of the mother was critical जब बच्चे का जन्म निर्जीव हुआ और मां की स्थिति नाजुक हो गई थी doctor एंड्रयू फाउंड हिमसेल्फ इन ए ग्रेट डायलिमा ग्रेट डायलिमा और हेजिटेटेड टॉर्न बिटवीन ज टू डिजायर्स एंड्रयू अपने आप को धर्म संकट में पाते हैं दो उत्तरदायित्व के बीच फंसे हुए पाते हैं ऑन द वन हैंड ऑन द वन हैंड ही वांटेड टू सेव द चाइल्ड एक तरफ बच्चे को बचाना चाहते थे ऑन द अदर हैंड ऑन द अदर हैंड तो दूसरी ओर ही वॉज मोबलाइज टू सेव द मदर दूसरी ओर माँ को भी बचाना उनका ऑब्लिगेशन था उनकी ड्यूटी थी डॉक्टर का फर्ज था अब वो यहीं पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि किसको पहले ट्रीट करें इन फैक्ट ही वॉज अनेबल टू डिसाइड इनफैक्ट ही वॉज अनेबल टू डिसाइड होम टू ट्रीट फर्स्ट होम टू ट फर्स्ट एंड्री निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि किसका इलाज वो पहले करे ही सॉल्व हिज डायली अनकॉन्सली बिना सोचे समझे एट फर्स्ट

और पूरा ध्यान माँ पर लगाते हैं एंड फेन शिवाज आउट ऑफ डेंजर जब वो खतरे से बाहर होती देन ही ट्रीटेड द चाइल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेन डीड एंड्रू फाइंड हिमसेल्फ इन ए डायलिमा एंड्रयू कब अपने आप को धर्म संकट में फंसे पाए उनका धर्म संकट क्या था और अंत में उन्होंने क्या किया तो कैसे हम लोग लिखेंगे फिर से एक बार देखिए When the child was born lifeless, जब बच्चे का जन्म निर्जीव हुआ एंड द कंडीशन ऑफ द मदर was क्रिटिकल और माँ की स्थिति बिल्कुल नाजुक हो गई थी दैट means सी हैड रिच्ड एट द वर्ज ऑफ डेथ वो बिल्कुल मौत के कगार पर पहुँच चुकी थी डॉक्टर एंड्रयू फाउंड हिमसेल्फ़ इन ए ग्रेट डायलिमा और हेजिटेटेड टॉर्न बिटवीन हिज टू डिजायर्स एंड्रयू अपने आप को धर्म संकट में पाते हैं दो उत्तरदायित्वों के बीच फंसे हुए पाते हैं क्या था उनका डायलिमा ऑन द वन हैंड एक तरफ ही वॉन्टेड टू सेव द चाइल्ड बच्चे को बचाना चाहते थे उसका ट्रीटमेंट करना चाहते थे तो दूसरी ओर ऑन द अदर हैंड ही वॉज ऑबलाइज टू सेव द मदर तो दूसरी ओर माँ का भी वो ट्रीटमेंट क्योंकि डॉक्टर का ये फर्ज था कि दोनों को बचाना है और दोनों में से वो एक को ही जो है वो शुरू में ट्रीट कर सकते थे ऑल ऑफ सडन दोनों का ट्रीटमेंट वो कर नहीं सकते थे ऑन द अदर हैंड ही वॉज ऑबलाइज टू सेव द मदर यहीं पर इनफैक्ट ही वॉज अनेबल टू डिसाइड होम टू ट्रीट फर्स्ट दैट वॉज हिज डायलिमा कि वो किसका इलाज पहले करे आइदर द मदर और चाइल्ड द डायलिमा वॉज शो अर्जेंट यह जो धर्म संकट था इतना तात्कालिक था कि उनके पास सोचने का वक्त नहीं था ही, उन्होंने क्या किया कैसे सॉल्व किया अनकॉन्सली बिना सोचे समझे एट फर्स्ट ही हैंडेड ओवर द चाइल्ड टू द नर्स उस बच्चे को किसको सौंप दिया नर्स को एंड पेड ही इंटायर अटेंशन टू द मदर और अपना पूरा ध्यान जो है वो माँ पर लगाते हैं एंड फेंसीवाज आउट ऑफ डेंजर और जब वो खतरे से बाहर हुई देन ही ट्रीटेड द चाइल्ड क्या एंड्रू माँ और बच्चे दोनों को बचा पाएंगे क्या कोई चमत्कार हो पाएगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे थैंक्स